सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये कहां से मिले हैं आपको? सुल्तान अब्दुल हमीद से। हाँ, यही तवक्को थी। अब्दुल हमीद ही ऐसा कर सकता है। वो हमारे मुमालिक को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। आपकी वालिदा महल वापस नहीं आना चाहती, उनकी वापसी की ख्वाहिशमंद, और ये झूठा खत लिखने वाली आप हैं। अब हम आपसे किस किस बात पर नाराज होना ही में, किस किस बात पर? मलिका, कहवे का लुत्फ सोहबत के साथ है। आइंदा आप हमारे लिए खुद कहवा लेकर आएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी, ये लिखा है सुल्तान मुअज्जम ने। मैं उस धोखेबाज का साथ नहीं दूंगा, बताता हूँ। हमने बरतानवी हुकूमत को इत्तेहाद की पेशकश की, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया वो सियासी उसूलों के खिलाफ है। हम आपके साथ इत्तेहाद करने के पाबंद नहीं। आपको मात हुई है क्लर्क साहब, आप जलीलो ख्वार हुए। आप तो हमारे लिए गड़ा खोदने में मसरूफ थे, हमें घिराने के ख्वाहिशमंद थे, आज हमारे ही कदमों में आ गिरे। हम बाहिफाजत आपको ये सरजमीन छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। बीदार सुल्तान ने महल क्यों छोड़ा? वो इसलिए कि उन्होंने आपके बाबा से वाबस्ता दस्तावेजात को अफशा कर दिया। अगर सालिया सुल्तान भी उनसे गद्दारी करें तो क्या होगा? रूसी समुद्री जंग हार जाएंगे। हमें पहले अपने मुसलमान भाइयों के बारे में सोचना है, वरना खिलाफत के मनसब को संभालना बेमकसद होगा। आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बच्चों और बुजुर्गों को मैदान जंग में भेज रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, इसे फौरन रोकें। अगर बर्तानिया ने हेक्टर को बर्खास्त किया है तो जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, जरूर कोई बड़ा मसला हुआ है। कहाँ चले गए? बताया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे तैयार रहने का कहा है। हम अब्दुल हमीद के खिलाफ एक बड़ा इकदाम करेंगे। हमारा एक साथ इतना वक्त नहीं गुजरा कि ये हमें जान पाए, हमें समझ पाए या हमें अपने खानदान के तौर पर कबूल कर पाए। हम जानते हैं करीब में हमारे मुसलमान भाइयों को रेल में सवार करके मैदान जंग की तरफ रवाना कर दिया गया। उन्हें जानवरों की तरह रेल में भरा गया है। मेरी बात सुनो गौर से, अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम भी मुलविस हो तो तुम्हारे पास इस बेसाखी के सहारे गुजारने के लिए जिंदगी नहीं होगी। क्या आप गस्परिल इस्माइली को जानते हैं पाशा हजरात? हमने ये नाम सुन रखा है सुल्तान मुअज्जम, वो क्रीमियाई तुर्क है। वो बागचसराय में पैदा हुए और मॉस्को की अस्करी तरबियतगाह में गए। गिरित में बगावत के दौरान एक दोस्त के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पहले क्रिम और फिर उदेसा चले गए। उसकी वजह ग्रीक में यूनानियों से लड़ने वाली उस्मानी फौज में शामिल होना था, मगर वो कामयाब नहीं हो सके और गिरफ्तार कर लिए गए। अगरचे हम क्रिम से दूर हैं, लेकिन क्रिम हमारे साथ है, तमाम क्रिमियाई हमारे साथ हैं।
इस वक्त हमारे तुर्क क्रीमियाई भाई मुश्किल हालात में हैं। उनके लिए अमन को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। कैसे सुल्तान मौजूद? बहरा अस्वत में मौजूद रूसी बेड़े को बॉस्पोरस से गुजरने देना। इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह है कि रूसी चाहते हैं क्रिम तुर्क जंग में जापानियों से पहली सफ में लड़े, और ऐसा वो हमारी मुखालफत में चाहते हैं। इसके बदले वो हमसे अपने जंगी बेड़े के बॉस्पोरस से गुजरने की इजाजत चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि रूसी जापान के समंदर में शिकस्त से दोचार हो। माजरत चाहता हूँ सुल्तान मौजूद, लेकिन रूसी बेड़े को गुजरने की इजाजत नहीं दे सकते। बॉस्पोरस तमाम जंगी बेड़ों के लिए बंद है। हमने आज तक तमाम मुहायदों पर इसी के मुताबिक दस्तखत किए हैं। अगर हम रूसियों को इजाजत देते हैं तो बर्लिन मुहायदे समेत हमारी रियासत के किए हुए तमाम मुहायदे बातिल हो जाएंगे। हम ये जानते हैं पाशा, हमने नहीं पूछा कि ये मुमकिन है या नहीं। सुल्तान मौजम, इन्होंने दुरुस्त फरमाया। मैं भी अपने क्रीमियाई भाइयों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बॉस्फोरस से रूसी बेड़े के गुजरने का मतलब तमाम मुहायदों की खिलाफ वर्जी है। यानी बर्तानिया, फ्रांस, यहाँ तक कि जर्मन भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और इसका मतलब होगा कि हम उन्हें अपनी रियासत पर हमले की इजाजत दे रहे हैं। सुल्तान मौजम, ये हुक्म आप ही की जानिब से दिया गया था। बॉस्फोरस को जंगी बेड़ों के लिए बंद करके एक तवाजुन कायम करना था। सुल्तान मौजम, सबसे पहले अगर हम रूसी जहाज को बॉस्फोरस से गुजारते हैं तो हमारे सामने आने वाला पहला मसला रुमेली होगा। आप जानते हैं कि हम बर्लिन मुआहदे में रुमेली के हवाले से की गई इस्लाहात की तामील नहीं करते, इसे इल्तवा में डाल रहे हैं आपके हुक्म के मुताबिक। लेकिन बॉस्फोरस के हवाले से बर्लिन मुआहदे को तोड़ने का मतलब होगा कि बड़ी ताकतों को वो दे देना जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। हम रुमेली से महरूम भी हो सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? क्या इस हालत में अपने क्रीमियाई भाइयों को हम तना छोड़ दें, उन्हें मरता हुआ देखें? सुल्तान मौसम, अभी जापानी वफद का मसला भी है। वो क्या मसला है पाशा? जापान ने बॉस्फोरस की गैर जानिबदारी की जांच के लिए एक वफद भेजा है। वो इस वक्त पाए तख्त में है और वो लोग सुल्तान मौसम से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। सुल्तान मौसम, क्या आप वफद से मुलाकात करेंगे? हम मिलेंगे पाशा, हमें अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखना है। सुल्तान मौजम, हम जंगी बेड़े को बॉस्पोरस से गुजारने के बाद कैसे गैर जानिबदार रह सकते हैं? यह भी हमारी सियासत के तहत होगा पाशा, हमारी सियासत के तहत होगा। तताव लाली मर गया है। कब मरा? बस कर दो मिका, तुम उसकी मौत से बेखबर नहीं हो सकते। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा, फिर अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। मरने से पहले उसने कहा कि किसी ने उसे धोखा दिया है। नाम बताया उसने? अशरफ अजीज आया था, वो भी नाम ही पूछ रहा था। तताव लाली आखिरी दिनों में मुखालिफ लोगों के साथ काम कर रहा था। मगर वो तो तुम्हारे लिए काम करता था। आपको यहां आना होगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं। बेहतर होगा कि आप इसका तबीब से मुआयना करवा लें, ताकि वो इसकी सूरत हाल का जायजा लेकर कोई दवा दे इसे। कमांडर, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अली उस्मान को ढूंढ निकालेंगे। मैं इस वजह से परेशान नहीं हूं, ना मुझे इस बात पर शक है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। बस मुझे दुख इस बात का है कि वो आज मेरी वजह से इस हाल में है। उसकी उम्र के बच्चे मदरसा जाते हैं, गलियों और बाजारों में भागते हैं, खेलते दिखाई देते हैं, जबकि मेरा बेटा
न बोल सकता है और ना ही चल सकता है, क्योंकि उसका जंगजू बाप अपने दिल के मामले में बुरी तरह हार गया है और अपने अतराफ में मौजूद दुश्मनों को खत्म ना कर सका। अली उस्मान अगर कल को मुझसे कहे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ है, तो मैं उसे कोई जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। अली उस्मान कभी आपको इन चीजों के लिए कसूरवार नहीं ठहराएगा। वैसे भी आपकी वजह से नहीं हुआ, मैं इस बात का गवाह हूं। आप रियासत, कौम और इस्लाम के बदबख्त दुश्मनों से लड़ रहे हैं। अली उस्मान एक जहीन बच्चा है कमांडर, और यही वजह है कि उसका नाम अली उस्मान है। हजरत अली की तरह वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, मजलूमों का सहारा बनेगा, अपनी कौम, रियासत और दीन के साथ सादिक रहेगा, और हजरत उस्मान की तरह अच्छे किरदार वाला होगा। इसी वजह से तो आपने अपने बेटे का नाम अली उस्मान रखा था ना कमांडर। तो परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे हम, उसे उसके नाम की बरकतें नसीब होंगी और वो लोगों की मदद करेगा। शेर है वो। इंशाल्लाह उस्मान, इंशाल्लाह। इसे अस्पताल ले जाना होगा, यहां इलाज मुमकिन नहीं। नहीं ले जा सकते। कोई मसला है तो इसे बैरून मुल्क ले जाएं। वहां आप किसी माहिर तबीब से अच्छा इलाज करवा सकते हैं इस बच्चे का। अशरफ अजीज का बेटा है ना ये? ये मीका का भांजा है। कल तक तो तुम इसकी जान के दुश्मन बने हुए थे, अब मेरा इरादा बदल चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं इसे अपना मजहब सिखाऊं। तुम्हारा मकसद कुछ और है? तुम्हें इस बच्चे को लेकर मुल्क से निकलना होगा। इसकी सेहत और हिफाजत के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारे पास ज्यादा आदमी नहीं है मीका। अशरफ अजीज ने बहुत आदमियों को मार दिया है। हमारे लिए कोई भी काम इतना आसान नहीं रहा जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें मदद करनी होगी। मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं ज़करियान। मेरे पास भी एक ही आदमी बचा है, इसे भी भेज दूं क्या? तुम अभी अंदर बच्चे के पास जाओ। क्या आप मुझे बताएंगे आपने इससे झूठ क्यों बोला है भाई? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? तुम्हें ज़करियान का पीछा करना होगा और मुझे इसके बारे में हर लम्हे की इत्तला देनी होगी। मेरे भाइयों, एक बहुत ही बुरी खबर है। जनाब हेक्लर, आप यहां क्या कर रहे हैं और आपको इस जगह का इल्म कैसे हुआ? ये जगह मैंने ही तामीर करवाई थी। मैं लंदन की अजीम लॉज का 33वां रुकन हूं, विलियम हेक्लर। मेरे भाइयों, हमें शिकस्त हुई है। हमने अपना सब कुछ खो दिया। बरतानवी हुकूमत अब कभी भी मैसन तंजीम का साथ नहीं देगी, याद रखें। और सिर्फ बरतानवी हुकूमत ही नहीं, बाकी ममालिक भी हमारा साथ नहीं देंगे। अब हम अकेले हैं। ये सब कैसे हुआ? बरतानिया ने इतने अरसे इस तंजीम का साथ दिया है, अकेला कैसे छोड़ देंगे? अब्दुल हमीद, इस नक्शे की तकमील में वाहिद रुकावट अब्दुल हमीद है। उसने बरतानवी और जापानी हुकूमत के
माँ बहन होने वाले खुफिया इत्तेहाद को बेनकाब कर दिया। यानी अब बरतानवी हुकूमत का मेसन पर से एतबार उठ चुका है। बदकिस्मती से तो अब हम क्या करेंगे बताइए। हम लोगों ने अजीम लॉज का हिस्सा बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी तमाम कोशिशें रायगा चली गई हैं। आखिर क्या करेंगे अब हम? हम बरतानवी इमदाद के भरोसे चल रहे थे, अब्दुल हमीद के खिलाफ क्या हम इकदामात किए बगैर ही इन पत्थर की दीवारों में खड़े अपनी हार को तस्लीम कर लें? आप लोग छह अफराद क्यों हैं? अब्दुल हमीद खुफिया तौर पर रूसी बहरी जहाजों को बॉस्फोरस से गुजरने का रास्ता देगा, इसके मुताबिक अपनी तैयारी कर लें। जैसा आप चाहें पाशा। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक मैसन तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, उम्मीद करता हूं अब आप मुझे आजाद कर देंगे। अभी आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, कुछ वक्त बाकी है। इस बच्चे का क्या करें अब? इसके बाप के लिए जाल बिछाएंगे। अशरफ के लिए हमारे पास न ताकत बची है और ना ही आदमी, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या हो गया है तुम्हें? आखिर तुम डर क्यों रहे हो इतना? डर अलग चीज है और बेवकूफी अलग है। आप हमें मौत के मुंह में जाने का कह रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हें नहीं जाना तो निकल जाओ यहाँ से। नया लिबास खरीदना होगा तुम्हारे लिए। स्टेफानो, ये बहुत खूबसूरत है। ये एक महंगा तोहफा है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। आपकी खूबसूरती के आगे किसी जेवर की कोई हैसियत नहीं आली सुल्तान, बराए मेहरबानी इसे कबूल कीजिए। आप हमें तहफ देकर हमारी आदतें खराब कर रहे हैं, हम इसके बदले आपको क्या दे सकते हैं? आपको इस तरह मुस्कुराता हुआ देखना और आपसे बात करना ही मेरे लिए काफी है। और आपसे दरख्वास्त है कि आप तौफीक पाशा से मुलाकात ना कीजिएगा। उनसे हसद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपसे मिलने आने के लिए हमें उनसे मुलाकात करनी पड़ती है, वरना हम अपनी बहन फातिमा को क्या जवाब देंगे? अब मुझे अब्दुल हमीद के माजूल होने का बेसब्री से इंतजार है। और वो क्यों? ताकि हमारी मुलाकात में मजीद कोई रुकावट ना रहे। सालिया सुल्तान को महल से भेजने का बहुत अच्छा मंसूबा हमारे जहन में आया है, हम उन्हें भी बीदार सुल्तान की तरह अब्दुल हमीद को धोखा देने पर मजबूर कर देंगे। आप हमारी मदद करेंगे ना? बहुत खुशी से। जापानी शहंशाह आपके शुक्रगुजार हैं। क्या आपने जापानी वफ्द को पाए तख्त में आने की इजाजत दी सुल्ताने मौज़म? हम हमेशा जापान को तकरीम की नजर से देखते हैं। इस कौम की अपनी सकाफत पर साबित कदमी और अपनी तहजीबी रिवायतों के साथ गहरी वाबस्तगी काबिल सताइश है। जरा नवाजी है, अब इजाजत दीजिए, मैं जापानी वफ्द के मौकफ का तर्जुमा करूंगा। कहिए।
जैसा कि आप जानते हैं, जापान और रूस के दरमियान जंग जारी है। हम हमेशा से जंग के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ममालिक के दरमियान तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए ही हल होना चाहिए। हमारी भी यही तरजीह है, लेकिन अभी हमें एक जंग का सामना है। जापानी वफ्द बॉस्फोरस के हवाले से आपकी गैर जानिबदारी का जायजा लेने आया है। वो मुशाहिदा करना चाहते हैं कि उस्मानी मुआहदे के उसूलों के मुताबिक चल रहे हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। जंग खत्म होने तक ये वफ्द पाए तख्त में क्याम करना चाहता है, इसके लिए आपकी इजाजत मतलूब है। इजाजत है, क्याम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सुल्तान मौसम, अब हम रूसी जहाजों को बॉस्फोरस से कैसे गुजारेंगे? इनकी नजरें तो हर वक्त बॉस्फोरस पे रहेंगी। सलीम पाशा। जनाब हैकलर, आप यहाँ इस जगह पर क्या कर रहे हैं? क्या मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आप मैसन पाशा के कहने पर आते हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ भेजा गया है एहतियाती तदाबीर के तौर पर। उम्मीद है कि आप जरूर कोई अच्छी खबर लाए होंगे सलीम पाशा। लाया हूँ। मेरे भाइयों, सलीम पाशा हमें एक खबर सुनाना चाहते हैं। मुझे मौसूल हुई खबर के मुताबिक अब्दुल हमीद रूसी बहरी जहाजों को बॉस्फोरस से गुजरने का रास्ता फराहम करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, नामुमकिन है। वो अब्दुल हमीद है, सब कर सकता है। क्या तुम अब्दुल हमीद की ताकत और हिकमत के बारे में नहीं जानते? अगर रूसी जहाज बॉस्फोरस से गुजरे तो तमाम मुआहदे मनसूख हो जाएंगे, तवाजुन कायम नहीं रहेगा, सब उस्मानियों पर हमला कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अब्दुल हमीद ये बात नहीं जानता होगा? जरूर उसने कोई मंसूबा बंदी कर रखी होगी। बहरी जहाज वहां से गुजरेंगे, लेकिन अगर हम इस बात को बेनकाब कर दें कि उस्मानियों ने जंगी जहाजों को गुजर का फराहम की है और उनका मंसूबा तबाह कर दें तो क्या होगा? बरतानवी, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रिया, हत्ता कि जर्मनी भी इस नक्शे के गिर्द जमा हो जाएंगे और हर कोई ताकत को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। फिर वो जिन्होंने इस खबर को बेनकाब किया, यानी कि हम, अपनी तवक्को से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हमारी ताकत बहाल हो जाएगी, बरतानवी फिर से हमारी मदद करेंगे। मेरे भाइयों, बरतानिया की हिमायत हासिल करने के लिए इस मंसूबे को तबाह करना होगा हमें। बरतानिया को अंदाजा हो जाएगा कि हम उनके लिए फायदा मंद हैं। चार लोग चाहिए जो मेरे साथ पाए तख्त जा सके, चार लोग जो इस काम में सबसे चाकू चौबंद दस्ते की मानिंद होंगे। करासू सबहतीन मिहाइल फर्नांडिस, आप लोगों को मेरे साथ पाए तख्त चलना होगा। अगर ये बात आश्कार हो गई तो आलम में जंग शुरू हो जाएगी। तो हो जाए, जंग होगी तो उस्मानी सल्तनत का खात्मा मुमकिन होगा। आप अभी पाशा हैं, लेकिन बाद में लॉर्ड बन जाएंगे। सुल्तान मौजम, हेकलर जब सिफारत खाने पहुंचा तो उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो अब एक जख्मी गीदड़ की मानंद है बेटे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। दुरुस्त फरमाया, लेकिन वो अपने तौर पर कोई कोशिश जरूर करेगा। उसने सिफारत खाने में एक तस्वीर बनाई है, उसके मुताबिक तस्वीर में मौजूद लोग आपको माजूल करेंगे। यह तस्वीर बैनुल अक्वामी बादशाहों ने बनाई है। उनका यह ख्वाब है हमें तख्त से बरतरफ करके हमारी सल्तनत का खात्मा करना, ताकत को अपने हाथ में लेना। बाबा, हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। हेकलर चला जाएगा, लेकिन हमें उसके जाने से पहले वो तस्वीर हासिल करनी होगी। आप हेकलर के बारे में मोहतात रहें, अगर आपको कोई भी मालूमात मिले तो हमें खबर कर दीजिएगा। जो आपका हुक्म। आपके साथ तो वक्त गुजारने का एहसास ही नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ कि वक्त रुक जाए और आप बस मेरे सामने बैठे रहें। नसीब नाम का एक लफ्ज़ है, क्या आपने सुन रखा है? नसीब?
शायद आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम साथ रह सके। वाकई मैं तो यही चाहता हूँ, मगर ये भी हो सकता है कि हम दोबारा ना मिल सके। मैं नसीब लफ्ज को नहीं जानता, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ अब्दुल हमीद और उसके घर वाले तबाह हो जाएंगे और हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जब मालूम हो गया कि तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो तुमने आलिया को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। झूठ मत बोलिए हमसे। आलिया से क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आलिया से जितना हो सके दूर रहो। अगर आइंदा हमें मालूम हुआ कि तुमने आलिया से रابطہ करने की कोशिश की तो क्या करेंगी? पहले की तरह हमारी दोबारा मुखबरी करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार तुम्हें बचने की कोई जगह नहीं मिलेगी। बचने की जरूरत आपको है फातिमा सुल्तान, मैं फिर आपको तन्बी कर रहा हूँ। आपने जिस जहाज में पनाह ली है वो किसी भी वक्त डूब सकता है और इस जहाज के साथ आप भी डूब जाएंगी। अगर आपने इस बार मेरी मकबरी की तो आलिया सुल्तान का भी नाम बदनाम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान की आपको कोई मालूमात मिली? नहीं, मैंने हर जगह पूछगछ कर ली, अली उस्मान के बारे में कोई नहीं जानता। ये बेगैरत लोग बाजू जितने बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं। अगर वो उसे मारना चाहते तो अब तक मौत की खबर मिल गई होती। उनका इरादा कुछ और ही है, या फिर उनका उसे मारने का इरादा बदल गया। वो भले उसे नुकसान ना पहुंचा रहे हों, मगर उसका इलाज अधूरा रह गया है। बेचारा बच्चा बीमार था। अशरफ भाई, ये आपके लिए आया है। अली उस्मान की कमीज है। वो मिल जाएगा अशरफ भाई। अली उस्मान की कमीज चूमते हुए मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विरासती कुर्ता याद आ गया, जो कुएं से गुलामों के बाजार तक और उस बाजार से जिंदान, फिर जिंदान से मिस्र के सुल्तान के दरबार तक उनके पास रहा। हजरत यूसुफ का वो कुर्ता जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से मस किया तो उनकी बीनाई वापस आ गई, वो बीनाई जो उनके बेटे के फिराक में रोने से जेल हो चुकी थी। तब उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी इस कमीज से अली उस्मान की खुशबू सूंघने को मिली। मेरे दिल को करार आ गया। अब तक तुमने हर जगह अपने बेटे को तलाश किया होगा, मैं फिर भी पूछता हूं, क्या तुमने यतीम खाने में तलाश किया? आर्मीनी यतीम खाना, यतीम खाना। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया करीगोर। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तुमने हमेशा साबित किया है मैं जो तुम्हारी माली मदद करता हूं तुम उसके हकदार हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या मकसद है तुम्हारा। मैं आज तुम्हें यही मौका देने आया हूं। अब बताओ मुझे, तुम हमेशा मुझसे जिस बात का जिक्र करते थे वो आखिर क्या है? इंतकाम। हाँ, इसलिए
अब मैं तुम्हें उस्मानियों से इंतकाम लेने का मौका फराहम कर रहा हूं। अब्दुल हमीद के मजालिम का सिलसिला जारी है। हमीदिया चौकी के फौजी कमांडर अशरफ अजीज की सरबराही में होने वाली सेशन की झड़पों में बहुत सारे आर्मीनी बेदर्दी से मारे गए हैं। क्या मतलब भाई? इस खबर में मस्कूर अशरफ अजीज इस्तांबुल आ चुका है। मतलब कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम लोग करी कोर। तुम्हारी तरह यहाँ और भी बच्चे होंगे जिनके खानदानों को रियासत के नाम पर कत्ल किया गया। 50 से ज्यादा है? हाँ, लेकिन बस मुझे उन 50 लड़कों में से सिर्फ तुम पे ही भरोसा है करीकोर। सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। तुम्हारे जैसे बहादुर बच्चों की कोशिशों से ही हमारा खुद मुख्तार आर्मीनी रियासत का ख्वाब सच होगा। लेकिन मैं उसे कैसे तलाश करूंगा? वो खुद यहाँ आएगा और तुम उसको देखते ही यानी अपने माँ बाप को कत्ल करने वाले उस्मानी कमांडर को इस पिस्तौल से खत्म कर डालोगे और इंतकाम ले लोगे अपना। मुझे मायूस मत करना। आप बेफिक्र रहें भाई। जब काम पूरा हो जाए तो शिशली के गोदाम में आ जाना, फिर हम पाए तख्त से निकल जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम कुछ अरसे के लिए सबकी नजरों से दूर रहो। सालिहा सुल्तान, क्या आप मसरूफ हैं? अरे बिल्कुल नहीं, बैठिए। हमने आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, फिर भी आपने बाबा के सामने हमारा दिफा किया, उसका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हम आपको समझ सकते हैं। आपने हमारा साथ दिया, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अब तमाम उमूर में हम भी आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई, आपका बहुत शुक्रिया। कहा जाता है ना, मीठा खाए मीठा बोले। हमने आपके लिए मीठा बनाया है। मालूम नहीं था कि आपको ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए अपनी पसंद से बना लिया। आपने बिला वजह सहमत की। वैसे हमें मीठा वाकई बहुत पसंद है, आप तो जानती है ना इमसाल खादमा। जी बिल्कुल सुल्ताना। वैसे आज हम बावर्ची खाने में जरूरतमंदों के लिए अशाए खोरोनोश तैयार करेंगे, अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ आ सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इसकी दावत दी। आप ये लीजिए ना। ये तो दिखने में बहुत लजीज लग रहा है, आपका शुक्रिया नायम सुल्तान। आफियत हो। आज आप पैरा किससे मिलने गई थी? आप पहले ही मेरे जवाब से वाकिफ हैं। बताइए किससे मिलने गई थी आप? तौफीक पाशा से मिलने गए थे। खबरदार, अब हमसे मजीद झूठ बोलने की कोशिश ना करें। बाजी, हमने आपको देखा पैरा में उस खबीस शख्स के साथ, हमने खुद देखा था आपको, वो भी एक बार नहीं। बाजी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम स्टेफानो के साथ बस। हमने आपको बताया भी था कि वो किस किस्म का इंसान है, कितना झूठा कितना धोखेबाज है वो। वो चचा के खिलाफ काम कर रहा है, सब कुछ बताया था हमने आपको आलिया। लेकिन ऐसा क्यों करेगा वो? कैसे मिले आप दोनों? पैरा में बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, वो ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। फिर झूठ, वो यकीनन जानता है, बल्कि हमें यकीन है कि वो सिर्फ इस वजह से आपके करीब हुआ है। जब वो हमें धोखा नहीं दे सका तो आपको फंसाने की कोशिश करने लगा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या क्या, क्या कहा आपने? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आइंदा आप उससे नहीं मिलेंगी आलिया। इसीलिए हमने ये बात आपसे छुपाई, सिर्फ आपकी वजह से हम अब तक झूठ बोल रहे थे। हम जानते थे कि आप कबूल नहीं करेंगी। बिल्कुल सही सोचा, हमें किसी सूरत यह कबूल नहीं, क्योंकि वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। आलिया, इस्तेफानों से दूर रहेंगी आप, सुना आपने? वादा करें।
वादा करें, वरना हम जाकर चाचा को सब कुछ बता देंगे, समझिए आप। वादा। अब्दुल हमीद ने बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के नमूनों को लाने की इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। करीब मत आना, मैं गोली मार दूंगा, करीब मत आना। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो मार देना मुझे। वाह, ये हैरत अंगेज इजाद है। उस औरत के जाने के बाद एक रुका आएगा जिसमें लिखा होगा कि मिठाई में जहर था और हमें वो सालिया सुल्तान को देना है। वो जरूर बॉस्फोरस से गुजरने वाले जहाजों के बारे में इकदाम कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्या करना चाहता है और वो इस खबर को कैसे भी नकाब करेगा, ये भी नहीं मालूम। हम अकेले तो इतना नहीं खा सकते, आलिया सुल्तान और फातिमा सुल्तान के साथ खा लेते हैं, क्या ख्याल है? ये बहुत लजीज है, काश आप लोग भी थोड़ा सा चख लेते मेरे साथ। आफियत हो। कैसा मंसूबा? बॉस्फोरस पर नजर रखने के लिए जबानी वफ्द पाए तख्त आया है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा।